नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल की दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक आप डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर आपको देखना है कि आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, तो अब आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। विदाउट एप्लीकेशन डाउनलोड के इस मोबाइल में आप ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगा सकते हो। और जो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा काफी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं भी काफी दिनों से यूज कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो प्ले स्टोर ओपन करेंगे, सर्च पे यहां पर आपको लिखना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट, ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड हो जाए तो ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद परमिशन यहां से अलाउ करना है, जो भी आपको पासवर्ड यहां पर बनाना है वो पासवर्ड यहां पर इस तरह से डाल दीजिए। तो दोस्तों मैं जो है पासवर्ड यहां पर डाल दिया हूं, दोबारा से रीएंटर आपको ही पासवर्ड करना है। रीएंटर करने के बाद सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहां पर फिंगरप्रिंट का नोटिफिकेशन होगा, तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वो एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन आ जाएंगी, जितनी भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है। तो मैं क्रोम ब्राउजर में जो है फिंगरप्रिंट लॉक लगाऊंगा, ये रहा क्रोम ब्राउजर, उसके सामने टिक है, टिक को ऑन किया। ऑन करने के बाद चलिए प्ले स्टोर में भी लगा लेता हूँ, ये रहा प्ले स्टोर, इसके सामने टिक है, टिक को ऑन किया। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यही एप्लीकेशन आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, स्टिक को ऑन करना है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से एप्लीकेशन यही दिखाई देगी, स्टिक को ऑन करना है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अलाउ यहाँ से कर दीजिए। बस आपका काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए बैक करके दिखा देता हूँ, बैक किया, प्ले स्टोर में लगाया था, ये रहा प्ले स्टोर, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट लॉक मांग रहा है, और जैसे ही मैं फिंगर टच करता हूँ तुरंत एप्लीकेशन ओपन हो जाती है।